तो आज मॉर्निंग में बना है पोहा। मंजू जहाँ काम करती है तो वहाँ आज कोई प्रोग्राम है जिसके लिए मंजू तैयार होने आई हुई थी, तो मैंने साड़ी पहनाई और तैयार की। तो आप बताइए देख के कि मंजू कैसी लग रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक के सारा कुछ मैंने किया है, हेयर स्टाइल, साड़ी एंड मेकअप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अतरंगी व्लॉग्स। तो मैं सुबह नाश्ता वास्ता बनाने के बाद में थोड़ा बिजी हो गई थी क्योंकि मेरे को निकलना है भोपाल, जिसकी मैं पैकिंग कर चुकी हूँ। और पैकिंग करने के लिए और घर का कुछ काम बाकी था, कुछ सामान था जो बाहर से लाना था, तो उस वजह से मैं थोड़ा बिजी थी, तो आप लोगों को कुछ भी अपडेट नहीं दे पा रही थी। तो ये ब्लॉग में मैं सिर्फ इतना बता पाऊंगी आपको कि मैं भोपाल जाने वाली हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग जो होगा मेरा, वो आपको पूरा भोपाल का जो भी वहाँ किस ले जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ और कहाँ कहाँ घूमने जाने वाली हूँ और कैसे मैं अपने दिन स्पेंड करने वाली हूँ, वो सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऑनलाइन एक सूट ऑर्डर किया था, वो आ गया है, तो वो कैसा है क्या है, एंड आगे बने रहिए कंटिन्यू इस ब्लॉग में। सो गाइस, आज दिन में ये पार्सल आया था जो कि मैंने ऑर्डर किया था राखी के लिए अपनी। सो मैंने ये ड्रेस राखी के लिए ऑर्डर की थी, ट्रेडिशनल है और इसका कपड़ा मटेरियल बहुत ही प्यारा आया है। मैं इसको आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ कि कैसा है, और बहुत सिंपल एंड सोबर है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, हैवी लग रहा है बट बहुत ही हल्का है। ये रहा सूट, बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल लुक है, एंड इसके नीचे में ये मोती का गोटा लगा हुआ है, लेस बहुत ही प्यारा और सिंपल, एकदम ज़्यादा हैवी नहीं है और दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मैं राखी में पहनूंगी तो आप देख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ, ये सिर्फ लिख लेगा राखी को अब सीधे। सोना और उसके पापा गए हैं मार्केट, तो वो लोग भी आते तो उन लोगों से भी आपको मिलवाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक हैंडबैग बहुत टाइम से नहीं है और फट गया था, उसके बाद मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती तो मैंने मंगाया नहीं था, तो मैंने सोना के पापा को भेजा, अगर उनको समझ में आएगा तो वो ले करके आएंगे, वरना कल मैं जाती जाती ले लूँगी या फिर भोपाल पहुँचने के बाद वहाँ कोई अच्छा दिखा तो वो ले लूँगी। एंड पैकिंग मैंने बताया मेरी हो चुकी है, सोना और सोना के पापा आते फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आ गए अपने पापा के साथ खवा लेकर के और आराम से बैठ के अपना खवा खा रही है। यहाँ उसके पापा लिफाफा डाल रहे हैं, कहाँ है लिफाफा, सो दिखाओ। तो वो सोना के पापा लिफाफा डाल रहे हैं किसके लिए, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर नाम है ना, हाँ उनके बेटे का बर्थडे है तो वहाँ जा रहे हैं, और मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी है तो वो मैं कर लूँ। सो गाइज, अभी बाबू जा रहे बर्थडे में, वहाँ से वो आ जाएंगे आधे घंटे के बाद में। मेरा पैकिंग थोड़ा बहुत बचा है जो बाबू के हेल्प के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैं भूल जाती हूँ, तो वो बाबू कराएंगे। एंड कल सुबह 7:30 बजे मैं निकलने वाली हूँ भोपाल के लिए, भाटापारा बोल रही थी, हाँ आने के बाद हमें भाटापारा जाना है राखी के लिए। तो अभी मैं कल सुबह 7:30 बजे निकलने वाली भोपाल के लिए। आज मेरी गाड़ी थी अभी 6 बजे 7 बजे की, वो कैंसिल हो गई, तो कल सुबह निकलूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते कल सुबह नए ब्लॉग से धमाकेदार, और पूरा भोपाल का जर्नी है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए बाय बाय।